आवाज आ रही है ना आप लोग को? हाँ चलो ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन निकाल ले पहले। आप साथ में दिख रहा है सर? वो नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, अभी सही हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग मॉडल सेट पेपर फर्स्ट कर रहे थे और हम लोगों ने एलगी के सारे क्वेश्चन लगा लिए थे, फिर एलगी के बाद के क्वेश्चंस लगाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, टाइप ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया इज, मतलब कि किस टाइप का राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ऑप्शन है 70S टाइप, बी 80S टाइप, सी 50S टाइप और डी है 60S टाइप। तो बताइए किस तरीके का राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, 70S की, 80S की, 50S की, 60S? सर इसका आंसर ए होगा। ए मतलब 70S टाइप, ठीक है। 70S क्यों होता है देखिए, होगा सर जो यू कैरियोट है, साफ साफ नहीं दिख रहा, अभी दिखेगा, ध्यान दीजिए। देखिए यू कैरियोट और प्रो कैरियोट दो टाइप के जो है, नेटवर्क में जाइए ना सर, नेटवर्क में, हम नेटवर्क में हैं, तुम लोग नेटवर्क में आओ, हमारे यहाँ स्क्रीन बहुत सही दिख रही है, आप लोग भी बहुत अच्छे से दिख रहे हो, आप लोग को हम नहीं दिख रहे, इसका मतलब कि आपके में नेटवर्क प्रॉब्लम है ना। तो ये कह रहे थे कि दो तरीके की सेल होती है, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट, ठीक है। और यूकैरियोट में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर जो राइबोसोम होता है वो होता है 70S टाइप, अरे 80S टाइप, जबकि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होता है, उसमें क्रोमोसोम होता है या प्रो क्रोमोसोम जिसे कहते हैं, और उसमें जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप होता है, ठीक है। और जो यूकैरियोट के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप होता है, मतलब वो प्रोकैरियोटिक टाइप होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बताया जाता है, या ऐसा कई साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट है ये कभी बैक्टीरिया रहे होंगे, ठीक है। और क्योंकि ये बैक्टीरिया कैसे रहे होंगे, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहे होंगे, सिम्बायोटिक का मतलब कि वो बॉडी के या सेल के अंदर पाए जाते होंगे या सेल के अंदर जो है वो सरवाइव करते होंगे, तो वो क्या करे, एक टाइम बाद वो उन्होंने अपना एग्जिस्टेंस खो दिया, ठीक है, मतलब फ्री लिविंग कैपेसिटी खो दी, तो वो सेल के अंदर ही रह गए, तो सेल के अंदर ही रह गए, तो प्रोकैरियोट में जो कंडीशन रहती है वही कंडीशन माइटोकॉन्ड्रिया में रही, वही कंडीशन क्लोरोप्लास्ट में रही, यानी कि उसके अंदर भी जैसे प्रोकैरियोट की तरह 70S राइबोसोम रहे, क्लोरोप्लास्ट में भी प्रोकैरियोट की तरह 70S राइबोसोम रहे। इसके अलावा इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया के पास सर्कुलर डीएनए रहा, क्लोरोप्लास्ट के पास भी सर्कुलर डीएनए रहा, जबकि यूकैरियोट की कंडीशन क्या है, यूकैरियोट में कैसा होता है, डबल हेलिकल लीनियर डीएनए होता है, ठीक है। यूकैरियोट में जो न्यूक्लियस होता है उसमें लीनियर डीएनए होता है,
जबकि इसमें कैसा डीएनए, सर्कुलर डीएनए। इसका मतलब ये दोनों प्रोकैरियोट से इवॉल्व हुए, यानी कि ये कभी बैक्टीरिया रहे होंगे और उसके बाद जब फ्री लिविंग कैपेसिटी इन्होंने खो दी, मतलब कि बाहर रहने की कैपेसिटी खो दी, तो उसी में इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट की तरह काम करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा, 70S टाइप राइबोसोम। अगला क्वेश्चन है, इसको अच्छा इनलार्ज करके देखते हैं। अब ठीक दिख रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, इसमें कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा कथन जो है वो असत्य है? ऑप्शन है अमाइलोप्लास्ट स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट, बी है एल्यूरोप्लास्ट स्टोर स्टार्च, सी है इलायोप्लास्ट स्टोर्स ऑयल्स, और डी है क्लोरोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी। तो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है, और इसके ऑप्शन है एमाइलोप्लास्ट वो कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है, दूसरा है एल्यूरोप्लास्ट ये स्टार्च का संग्रह करता है, इलायोप्लास्ट ये तेल का संग्रह करता है, और हरित लवक सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए उत्तरदायी है। अगर हिंदी में कहें तो एमाइलोप्लास्ट को मंड लवक कहते हैं, एल्यूरोप्लास्ट को प्रोटीन लवक कहते हैं, और इलायोप्लास्ट को तेल लवक कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक कहते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा कथन जो है इसमें असत्य है, बताइए कौन सा असत्य होगा इसमें? बी। बी कथन असत्य है, क्योंकि प्रोटीन लवक है तो वो प्रोटीन का स्टोर करेगा ना कि स्टार्च का। अगर यहाँ प्रोटीन होता तब तो ये सही होता, लेकिन क्योंकि स्टार्च है तो स्टार्च का स्टोर नहीं करेगा। स्टार्च का स्टोर कौन कर रहा है? अमाइलोप्लास्ट, यानी कार्बोहाइड्रेट जो है वो तो स्टार्च है, तो अमाइलोप्लास्ट ही स्टार्च का स्टोर करेगा। तेल लवक तेल का स्टोर करेगा ही करेगा, क्लोरोप्लास्ट वो एनर्जी को जो लाइट एनर्जी है उसको ट्रैप करता ही करता है। तो बाकी इस कथन सही है, लेकिन एल्यूरोप्लास्ट वाला कथन असत्य है। इस
अगला क्वेश्चन है, इन सेल्फ साइकिल रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस एट ए है G1 फेज, बी है G2 फेज, सी है S फेज और डी है सॉरी ये G0 फेज है और ये है G2 फेज। तो पूछा है कि कोशिका चक्र के किस चरण में डीएनए का प्रतिकृति बनती है, कि डीएनए की प्रतिकृति बनती है किस फेज में, G1 में कि G2 में कि S में कि G0 में? S में। तो ये किस में बनेगी? S फेज में। देखिए जो सेल साइकिल है आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा, इसमें इस तरीके से साइकिल होती है, पहली जो फेज होती है इनिशियल उसको G1 फेज कहते हैं। इसमें जो सेल S फेज में चली जाती है वो तो डिवाइड होंगी, लेकिन जो S में नहीं जाती है वो चली जाती है G0 फेज में। मतलब ये है कि जो सेल है ये कोई कोशिका है, इसको 1 से 2 विभाजित होना है, ठीक, लेकिन ये 1 से 2 विभाजित होने के लिए कई सारे चक्र से होके गुजरती है। कई सारे चक्र का मतलब ये है कि पहले इस कोशिका की ग्रोथ होगी और ग्रोथ के बाद डुप्लीकेशन होगा, मतलब जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो डीएनए है वो डुप्लीकेट होगा और डुप्लीकेट होने के बाद फिर ये डिवाइड होगा। तो जो डिवाइडिंग सेल है वो तो G1 से S फेज में चली जाती है, लेकिन जो नॉन डिवाइडिंग फेज है जैसे कि नर्व सेल्स है, ठीक है, ब्रेन सेल्स है, तो ये सेल्स क्या है, ये G1 से G0 फेज में चली जाती हैं जब तक कि इनकी जरूरत नहीं होती, मतलब जब तक ब्रेन डैमेज नहीं होता या नर्व डैमेज नहीं होता तो ये डिवाइड नहीं होती है। तो जब इनकी जरूरत होती, मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ, ब्रेन डैमेज हुआ, नर्व कोई ब्रेक हो गई, तो फिर से ये ग्रो करेंगी, जब G0 से वापस से ये G1 में आएंगी और G1 से फिर S फेज में चली जाएंगी। तो G1 फेज में ग्रोथ होता है, इसीलिए इसको G1 कहते हैं, क्योंकि ये ग्रोथ फेज है, ये ग्रोथ फेज फर्स्ट है, इसीलिए G1 फेज कहते हैं। S फेज क्या है, ये सिंथेसिस फेज कहलाती है। S का मतलब होता है सिंथेसिस, तो सिंथेसिस फेज यानी S फेज में डीएनए जो है वो डबल हो जाता है, जो एक डीएनए है ये अलग होके अब 2 डीएनए बना लेता है, ठीक है, 1 से 2 डीएनए बन गए, ये हो गया पेरेंट डीएनए, ठीक है, और ये 1 और 2 डॉटर डीएनए। तो डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहाँ होता है, S फेज में, ठीक है, ये S फेज इसीलिए कहते हैं क्योंकि सिंथेसिस हो रही, किसकी हो रही है, डीएनए की। S फेज के बाद फिर आता है G2 फेज, ये भी ग्रोथ फेज है, ये ग्रोथ फेज सेकंड है, ग्रोथ सेकंड, इसीलिए इसको G2 फेज कहते हैं। फिर G2 के बाद M आता है, M का मतलब है कि माइटोसिस या मियोसिस, इसमें डिवाइड डिवीजन होगा, ठीक है, डिवीजन की कई फेजेज होती है, प्रो फेज होती है, मेटा फेज होती है, एना फेज होती है, टीलो फेज होती है, ये 4 फेजेस होती है। तो इस तरीके से सेल जो है, कोई भी सेल जो डिवाइड हो रही होती है वो इन सब फेजेस से गुजरती है। तो जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है वो किस फेज में हो रहा है, S फेज में।
अब आते हैं अगला क्वेश्चन है, विच वन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन ऑफ सेल साइकिल। ए है माइटोसिस, बी है मियोसिस, सी है ए माइटोसिस और डी है ऑल। तो पूछा है कि कोशिका विभाजन की किस प्रकार के को रिडक्शन विभाजन के नाम से भी जाना जाता है, माइटोसिस को कि मियोसिस को कि ए माइटोसिस को कि सभी को, बताइए। इस डिवीजन को रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। मियोसिस बी। क्यों कहते हैं रिडक्शन डिवीजन, बताइए क्यों रिडक्शन डिवीजन कहते हैं और मियोसिस को ही कहते हैं। बताइए माइटोसिस को क्यों नहीं कहते, मियोसिस को क्यों कहते हैं? सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, इसको समझने से काम चलेगा, वरना रटोगे तो आज रट लोगे, एग्जाम में आएगा तो भूल जाओगे। ठीक है, प्रशांत तिवारी बता रहे हैं 2n से n में बट जाता है, सही है। देखिए होता क्या है कि जो माइटोसिस है इसमें जो सेल बनती है वो 2n से 2n ही बनती है, जबकि मियोसिस में 2n से सेल जो है वो n बन जाती है। अब ये 2n और n क्या है, कोई बताएगा? 2n और n इसका क्या मतलब है? ठीक है, क्रोमोसोम नंबर। देखिए माइटोसिस में क्रोमोसोम जो है अगर वो 23 पेयर क्रोमोसोम पेरेंट में है तो 23 पेयर क्रोमोसोम डॉटर में भी होंगे। जबकि इसमें 23 पेयर क्रोमोसोम पेरेंट में तो होंगे लेकिन डॉटर में सिर्फ 23 नंबर क्रोमोसोम होंगे, पेयर में नहीं होंगे। आप ये डिफरेंस है। तो क्या हुआ, रिड्यूस हुए कि नहीं हुए, मतलब कम हुए कि नहीं हुए? यहाँ पेयर में थे, यहाँ आप सिंगल बचे। तो जहां रिडक्शन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, मियोसिस में, जबकि माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि इसमें इक्वल रहते हैं जो नंबर है क्रोमोसोम नंबर वो इक्वल रहते हैं। और भी बहुत सारे डिफरेंस है, वो भी क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं। जैसे माइटोसिस में 1 से 2 सेल बनती है जबकि मियोसिस में 1 से 4 सेल बनती है। उसी तरीके से माइटोसिस सोमेटिक सेल्स में होता है जबकि मियोसिस जर्म सेल्स में होता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं जिनके जो पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस एट ए है लेप्टोटीन,
बी है जायगोटिन, सी है टैकिटिन और डी है डिप्लोटीन। ये चार प्रोसेस है, इनमें से पूछा गया है कि इस प्रोसेस में क्रॉसिंग ओवर होता है, किसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, लेप्टोटीन में कि जाइगोटीन में कि पैकीटीन में कि डिप्लोटीन में, बताइए। इसमें क्रॉसिंग ओवर होगा, किसी को नहीं पता? पैकीटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है। देखिए जो मियोसिस है उसमें दो बार डिवीजन होता है, इसीलिए चार सेल बनती है। एक पहला डिवीजन कहलाता है मियोसिस फर्स्ट, दूसरा डिवीजन कहलाता है मियोसिस सेकंड। ठीक, मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट होती है और इस प्रोफेज फर्स्ट में लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ये पांच फेजेस होते हैं। इसके बाद अगला होता है मेटाफेज, फिर एनाफेज और लास्ट है टीलोफेज। उसी तरीके से मियोसिस सेकंड की है प्रोफेज सेकंड, प्रोफेज फिर मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड। तो इतनी फेजेस होती है मियोसिस में और मियोसिस की मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है। तो देखिए होता क्या है, लेप्टोटीन में क्रोमोसोम कंडेंस होगा, जाइगोटीन में क्रोमोसोम एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, मतलब क्रोमोसोम पेयरिंग होती है। पैकेटीन में क्रोमोसोम क्या करते हैं, क्रॉस कर लेते हैं एक दूसरे को, इस तरीके से क्रोमोसोम है। तो पैकेटीन में ये पैरेलली अरेंज होके एक जगह पे क्रॉस करते हैं, जहां पे क्रॉस होता है वहां पे क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब ये है कि एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम को क्रॉस कर ले, इस तरीके से ये क्रोमोसोम है तो ये एक क्रोमोसोम हो गया, ये दूसरा इस तरीके से क्रॉस कर ले। तो क्रॉसिंग के बाद क्या होता है कि सेगमेंट चेंज हो जाते हैं, ये वाला सेगमेंट तो एज इट इज रहेगा लेकिन ये वाला सेगमेंट जो है चेंज हो जाएगा इस वाले से। ये मान लो कि ये इस ऐसे कलर बना देते हैं, ये कलर इस तरीके का है तो अब ये जो है इस तरीके से चेंज हो गया। इसमें भी अगले वाले में क्या हो जाता है, ये इस तरीके से तो रहता है लेकिन ऊपर का सेगमेंट चेंज हो जाता है, ये नॉर्मल रहेगा। तो जो चार क्रोमोसोम आगे चल के बनेंगे वो कैसे होंगे, चेंज हो जाएंगे, इनमें से ये दो चेंज हो जाते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट क्या होता है, नया कॉम्बिनेशन ऑफ जीन यानी रिकॉम्बिनेशन होता है।
खैर पूछा क्या गया है, पूछा गया क्रॉसिंग ओवर, तो क्रॉसिंग ओवर किस फेज में हो रहा है, पैकेटिन स्टेज में। ये सब चीजें समझने वाली है, अगर आपने समझ लिया है तो आप नहीं भूलेंगे, लेकिन अगर समझ गए हैं समझे नहीं है तो आप कभी नहीं कर पाएंगे, हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। अगला क्वेश्चन है नॉन प्रोटीनिशियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड, ए है कोफैक्टर, बी है एपो एंजाइम, सी है होलो एंजाइम और डी है ए प्रोटीनिशियस एंजाइम। तो पूछा गया है कि एंजाइम का वह भाग जो प्रोटीन का बना नहीं होता है तो वो क्या होगा। एक आंसर तो आ गया, बाकी लोग बताइए, को फैक्टर होगा कि एपो एंजाइम होगा कि होलो एंजाइम होगा कि प्रोटीनिशियस एंजाइम होगा। बताइए, लग रहा है कोई पढ़वड़ नहीं रहा है या फिर आप लोग बहुत हल्के में ले रहे हो क्वेश्चन पेपर को। इतना आसान क्वेश्चन पेपर नहीं है लेकिन इतना कठिन भी नहीं है कि आप इसको बता ना पाओ। देखिए एंजाइम कोई भी होगा वो प्रोटीन का बना होता है, कोई भी एंजाइम, ठीक है, एक्सेप्ट वन एंजाइम। सिर्फ एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन का नहीं होता है, वो भी हम बता दे रहे हैं आपको, एक एक्सेप्शन है यानी अपवाद है, वो है राइबोजाइम जो कि आरएनए का बना होता है। तो सिर्फ एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन एंजाइम होता है, मतलब प्रोटीन का नहीं बना होता, वो है राइबोजाइम। ये भी पूछा जाता है कि कौन सा एंजाइम है जो कि प्रोटीन का नहीं बना होता, तो कौन सा है, वो राइबोजाइम। अब जब सभी एंजाइम प्रोटीन के बने हैं तो कुछ में एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए कुछ अदर नॉन प्रोटीन पार्ट भी जुड़े होते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं, जैसे प्रोटीन पार्ट को एंजाइम में एपो एंजाइम कहते हैं, जो प्रोटीन पार्ट है एंजाइम का उसको क्या कहेंगे, एपो एंजाइम, लेकिन जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको को फैक्टर कहते हैं। नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या कहते हैं, को फैक्टर, और दोनों प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों कहलाते होलो एंजाइम, मतलब कि अब होल हो गया, पूरा पोर्शन हो गया तो वो कहलाएंगे होलो एंजाइम। इसको याद कर लीजिए कि एंजाइम जो है स्ट्रक्चरली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वन इज प्रोटीन पार्ट, अनदर इज नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट इज नोन एज एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट इज नोन एज को एंजाइम। अब को एंजाइम को भी फर्दर डिवाइड किया गया है जो को फैक्टर है उसको फर्दर डिवाइड किया है को एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि को फैक्टर क्या है, एपो एंजाइम क्या है, होलो एंजाइम क्या है, को एंजाइम क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, को फैक्टर।
नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट ऑफ एंजाइम इज नोन एज कोफैक्टर. अगला लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, वो है सब यूनिट ऑफ एटीएस राइबोसोम इज, ए है 50S एंड 30S, बी है 40S एंड 60S, और सी है 40S एंड 40S, डी है 60S एंड 20S. तो बताइए कि 80S राइबोसोम जो कि यूकैरियोट में पाया जाता है उसकी कौन कौन सी यूनिट होती है, 50S एंड 30S की 40S 60S की 40S 40S की 60S 20S. बहुत आसान क्वेश्चन है, बताइए. नहीं पता, ये तो 10th वालों को भी पता है, 9th वालों को भी पता है. देखिए जो राइबोसोम होते हैं सर, इसका आंसर बी होगा. हाँ तो बोलो ना, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, 40S एंड 60S. देखिए 70S जो कि प्रोकैरियोट में पाया जाता है उसमें दो सब यूनिट होती हैं, एक स्मॉल एक लार्ज. जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो 30S होती है और लार्ज सब यूनिट 50S होती है. ये तो 70S की बात हो गई. लेकिन जो 80S होता है जो कि यूकैरियोट में पाया जाता है, इसमें जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो 40S और लार्ज सब यूनिट 60S की होती है. ठीक है, फिगर अगर आपको ध्यान रहेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे. तो इसका आंसर हो जाएगा 40 एंड 60 है. तो मॉडल सेट वन खत्म हो गया, अब मॉडल सेट सेकंड देखते हैं. सेकंड के देखिए क्वेश्चन है पहला, the unit of grana is called, grana में की इकाई क्या कहलाती है, ए है थैलेकॉइड, बी है स्ट्रोमा, सी है स्ट्रोमल लैमेली और डी है ऑल यानी सभी. तो पूछा गया है कि ग्रेना की यूनिट क्या कहलाती है, बताइए. एक आंसर आ गया, बाकी लोग बताइए कि थैलेकॉइड कहलाती है कि स्ट्रोमा कहलाती है, स्ट्रोमा लैमेली कहलाती है कि ऑल. इसका आंसर होगा थैलेकॉइड. देखिए जो क्लोरोप्लास्ट होता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है सबको पता है, इसके अलावा इसके अंदर क्वाइन शेप थैलेकॉइड पाए जाते हैं.
इस तरीके से थैलेकॉइड और अंदर जो है पूरा लिक्विड भरा होता है। ये जो पोर्शन है ये ग्रेना कहलाता है, जहां पर लाइट रिएक्शन होती है, यानी जहां पे क्लोरोफिल पाया जाता है। ये जो पोर्शन है ये स्ट्रोमा कहलाता है, जो मैट्रिक्स है इसका वो स्ट्रोमा कहलाता है। और यहाँ पे जो लैमली होते हैं इसको स्ट्रोमल लैमली कहते हैं। और ये जो पैरेलली अरेंज है क्वाइन शेप स्ट्रक्चर, इनको थैलेकॉइड कहते हैं। तो जो ग्रेना है वो एक्चुअली बना किससे है? थैलेकॉइड से। तो यूनिट ऑफ ग्रेना क्या कहलाती है? थैलेकॉइड। अगला क्वेश्चन है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद ए फोटो सिस्टम फर्स्ट, बी ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड, सी बोथ फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड, और डी है इनर सरफेस ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। तो जल के विघटन का संबंध निम्न में से किससे है? फोटोसिस्टम वन से कि थैलेकॉइड के ल्यूमन से कि फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड से कि थैलेकॉइड की भीतरी दीवार यानी इनर सरफेस से? किससे है? इनर सरफेस ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इनर सरफेस पे स्प्लिटिंग होती है वाटर की, जबकि बाकी जगह पे नहीं होती है। तो इसका क्या हो जाएगा? इनर सरफेस ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। ये सारे क्वेश्चन आपके फोटोसिंथेसिस से हैं, तो आपको ये चैप्टर बहुत बढ़िया से पढ़ना है। इसका क्या हो जाएगा? डी इनर सरफेस ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। अगला क्वेश्चन भी इजी है, अब इसको बता भी चुके हैं। डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ए है ग्रेना, बी है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, सी है थैलेकॉइड ल्यूमन, और डी है स्ट्रोमा। बताइए कि डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? ग्रेना में कि थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में कि ल्यूमन में कि स्ट्रोमा में? चलिए एक आंसर सही है, आगे कौन बताएगा? अभी आपको बताया मैंने सर, स्ट्रोमा में। हाँ, बाकी लग रहा सो रहे। देखिए ग्रेना में मैंने बताया अभी कि लाइट रिएक्शन होती है, क्योंकि वहां पर क्लोरोफिल पाया जाता है। थैलेकॉइड और ल्यूमेन और मेम्ब्रेन ये दोनों ग्रेना के ही पार्ट है, तो उस वहां पर वो लाइट रिएक्शन से एसोसिएटेड होंगे। जबकि स्ट्रोमा जो है यहाँ पर डार्क रिएक्शन होती है,
क्योंकि यहाँ पर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रोमा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका इसी कुछ चैप्टर से है, क्रैंच एनाटॉमी। इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, इसका फीचर होता है केल्विन साइकिल, हैच एंड स्लैक साइकिल, यू हैव फोटो रेस्पिरेशन, और डी है कैम साइकिल या कैम प्लांट। पूछा गया है क्रैंज एनाटॉमी किस प्रकार के पौधे की प्रमुख विशेषता है, केल्विन चक्र, हैच एंड स्लैक चक्र, फोटो रेस्पिरेशन या कैम पौधे, बताइए। जिसने सर इसका आंसर डी होगा। अच्छा, और कोई बताएगा? देखिए, जो केल्विन साइकिल है ये C3 प्लांट में होती है, और ये जो प्रोसेस है ये कहाँ हो रही है? ये मीजोफिल में हो रही है। हैच एंड स्लैक जिसको C4 प्लांट में होती है, या C4 साइकिल जिसे कहते हैं, जो कि मीजोफिल और बंडल शीट दोनों में होती है। और जिसमें बंडल शीट पैरेलली अरेंज होते हैं वही क्रैंज एनाटॉमी शो करते हैं, तो इसका आंसर हैच एंड स्लैक साइकिल होगा। कैम प्लांट जो है ये सकुलेंट प्लांट होते हैं, जैसे नागफनी का पौधा हो गया, इन सब का पौधा हो गया, जिनमें स्टोमेटा क्लोज रहते हैं डे में और नाइट में वो खुलते हैं, वो कहलाते कैम प्लांट। इसका आंसर क्या होगा? हैच एंड स्लैक साइकिल, यानी C4 प्लांट जो है वो क्रैंज एनाटॉमी शो करते हैं, जिनमें बंडल शीट में रिएक्शन होती है या बंडल शीट पाया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट में करेंगे, और इसको जितने क्वेश्चन कराए हैं इसको एक बार देख लीजिए, और इसके इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।